महाभारत काल एक ऐसा समय था जिसे सदियों में याद किया जाता रहा है। महाभारत इतना बड़ा महाकाव्य है जिसके अनगिनत रहस्यों से आप सभी अनजान होंगे। महाभारत की ना जाने कितनी ऐसी विचित्र कथा है जिसके बारे में पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही महाभारत के युद्ध से संबंधित ना जाने कितने ऐसी बातें भी हैं जो आप सुनकर हैरान रह सकते हैं। ऐसे ही विचित्र बातों में एक है महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्री के बारे में जानकारी। दरअसल महाभारत काल में कुछ ऐसी स्त्रियां थीं जिनकी एक झलक देखने की इच्छा सभी रखते थे। आइए जानें उस समय की सबसे खूबसूरत स्त्री के बारे में। पहली है देवी रुक्मिणी। देवी रुक्मिणी महाभारत काल की सबसे खूबसूरत महिला थी जो कि पहले स्थान पर है। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी है और उनका सौंदर्य इतना अधिक था कि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। दूसरी है द्रौपदी। महाभारत में द्रौपदी के चरित्र के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि द्रौपदी स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर थी। उनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि सभी उनकी तारीफ किया करते थे। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी और उनकी खूबसूरती की वजह से बहुत से लोग उन्हें अपनाने की सोचते थे। तीसरी है सत्यभामा। सत्यभामा महाभारत काल की एक और खूबसूरत स्त्री थी। सत्यभामा और द्रौपदी बहुत अच्छी सखियाँ थीं। वे दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अपने गुणों को बांटती थीं। चौथी आती है उर्वशी। उर्वशी महाभारत की एक और सबसे सुंदर स्त्रियों में से थी। उर्वशी इंद्र स्वर्ग लोक की सबसे खूबसूरत महिला थी। एक बार उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई थी, लेकिन अर्जुन ने उनके प्यार को ठुकरा दिया था, जिस पर उर्वशी ने अर्जुन को स्त्री बनने का महाभारत में श्राप दिया था। पांचवी है सुभद्रा। सुभद्रा महाभारत काल में श्री कृष्ण और बलराम की बहन है। एक समय अर्जुन सुभद्रा की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे और उनसे शादी का प्रस्ताव भी रखा था। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वो सुभद्रा को लेकर भाग जाए, क्योंकि सुभद्रा के भाई बलराम दुर्योधन से उनकी शादी करवाना चाहते थे। छठी है गंगा। गंगा शांतनु की पहली पत्नी थी और महाभारत की सबसे खूबसूरत स्त्री में से एक थी। गंगा की खूबसूरती से आकर्षित होकर महाराज शांतनु ने गंगा से शादी भी की। महाभारत के समय की और द्वापर युग की ये स्त्रियां अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी और वास्तव में इनकी एक झलक लेना भी उस समय के लोगों के लिए मुश्किल था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।